हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टे विद सोमा दास। और मैं हूँ सोमा, फिर से आ गई हूँ और एक प्लांट के साथ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक साकुलेंट। बहुत सारे की एक क्वेश्चन रहते हैं कि साकुलेंट कैसे हुआ है, कैसे उसकी केयर करें। तो मैं आज लाई हूँ टैंगल हर्ट साकुलेंट। ये वाइन बहुत ही अच्छी तरह उगते हैं पानी में भी, और देखिए कितनी ग्रोथ हुई है। मैंने इसे कांच के एक ग्लास में उगाया है, आप देख सकते हैं। और इसके रूट्स देखिए कितने सारे रूट्स निकल आए हैं ग्लास के अंदर। लेकिन पानी को आप कुछ दिन फ्रीक्वेंटली आप इसे चेंज कर देना, पानी को चेंज करना पड़ता है। लेकिन मैंने कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फंगीसाइड देना पड़ता है। महीने में एक बार दीजिए फंगीसाइड। मैं साफ यूज़ करती हूँ, वो बहुत अच्छा होता है। और मॉनसून में इसे ज़्यादा केयर लेना पड़ता है, फंगीसाइड देना ज़रूरी होता है। देखिए कैसे एवरी नोट से यह कैसे रूट्स निकल आए हैं। ये देखिए रूट्स, यहाँ से ये जो गांठ होते हैं, नोट्स कहते हैं प्लांट की, तो हर नोट से रूट्स निकलते हैं। ऐसे आप अगर पानी में रखें तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ज़रूर रखिए। डायरेक्ट सनलाइट से रखने से इसे पत्ते येलो पड़ जाते हैं और पत्ते के साइज़ भी थोड़ा छोटे हो जाते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोपोगेटेड प्लांट है, तो इसे कहीं एक नोट से आप अगर काट करके ऐसे पानी में रख दे और मिट्टी में भी उगा सकते हैं। देखिए मैंने कैसे इसे हैंगिंग पॉट में उगाया है। ये मेरे मदर प्लांट कह सकते हैं। देखिए कैसे लंबे हो गए हैं इसके भाइन, तो मैंने इसे कट कर दिया नीचे से और ऐसे ग्लास में उगाया है। और इधर की पत्ते थोड़ी पुरानी है, तो इसे येलोइश भाव आ गए हैं। और इधर की देखिए कैसे ग्रीनिश है, बहुत ही हरा भरा लग रहे हैं। ये थोड़ा नए भाइन है। तो ऐसे ही आप इसे हैंगिंग पॉट में अगर उगाए तो इसके मिट्टी आप 50% कोकोपीट और 50% गार्डन सॉइल लीजिए, और इसमें थोड़ी भार्मी कंपोस्ट भी मिला दीजिए। और इसके जो होल्स होते हैं, मैंने इस होल्स के बंद करने के लिए जो कोकोनट के जो छिलके होते हैं वही मैंने नीचे रख दिया था। तो ऐसे हैंगिंग पॉट के लिए मिट्टी हल्की होने चाहिए, इसीलिए कोकोपीट यूज़ करना। और ड्रेनेज सिस्टम भी इस प्लांट के लिए अच्छी होने चाहिए। और इसको आप एक स्प्रे भी कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये और एक टैंगल हर्ट वाइन है, कैसे पत्ते इसके ग्रीन और हरे भरे लग रहे हैं। देखिए इसको मैंने एक स्टैंड में पॉट के अंदर रखा है। तो आप इसे इंडोर भी उगा सकते हैं ऐसे इनडायरेक्ट सनलाइट में। इसको मैंने कुछ फर्टिलाइज़र नहीं देती, मैंने पहले भी बताया। और देखिए मैंने किस तरह से उगा सकते हैं आप, इस तरह के जो नोड्स होते हैं वहाँ से आप कट कर दीजिए, ऐसे उंगली से भी आप कट करते हैं सकते हैं। और देखिए कट करके ऐसे ये जो नोड्स होते हैं, इस नोड को आपको पानी के अंदर रखनी चाहिए। और अगर आप इसे सॉइल में उगाना चाहते हैं तो इस नोड्स को आप ख्याल रखें कि नोड्स मिट्टी के अंदर रहे, मिट्टी के टच में रहे, तो ही नए रूट्स निकल आएंगे। इस तरह के आप पानी में और सॉइल में भी उगा सकते हैं, और सॉइल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ऐसे आप देख सकते हैं जे देखिए पुराने जो वाइन है वहाँ से जो नोड्स है, देखिए यहाँ छोटी सी एक रूट्स है, यही ग्रो कर जाएंगे अगर आप इसे पानी में रखे और इसे सॉइल में उगाए। ये देखिए कैसे छोटी सी एक रूट्स हैं, आप देख सकते हैं।
वही ग्रो हो जाएगा पानी के अंदर। देखिए कितना अच्छा ग्रो हुआ है। और इसे तो फ्रेंड्स एक और एक देखिए यहाँ टैंगल हर्ट, जिसे भी मैंने इसे पानी में उगाया है, आप भी ऐसे उगा सकते हैं। जब भी कटिंग करें तो इसे पानी में डीप कर दीजिए और नए प्लांट बन जाएगा और अच्छी तरह ग्रो भी हो जाएगा। इसे कुछ दिन बाद आप स्प्रे कर देना वाटर से और फंगिसाइड भी स्प्रे कर देना। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने किस तरह से टैंगल हर्ट को उगाया है पानी में, मिट्टी में, हैंगिंग पॉट में। तो आप भी इसे इसी तरह से उगा सकते हैं अपने घर में। तो फ्रेंड्स देर मत कीजिए, टैंगल हर्ट को ले आइए और उगा लीजिए। और किसी के पास अगर है तो उसे उसके साथ थोड़ी सी मांग कर भी आप इसे अपने घर में उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और आप कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स हैं आप मेरे, तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन होता है वहाँ पे क्लिक करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना, तो मेरे अगले जो नए वीडियो आएगा तो उसे आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं से ख़त्म करते हैं। बाय बाय। आप अच्छे रहना, प्लांट उगाते रहना।